वेलकम बैक वन सेकेंड फ्रेंड हमारे इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है त्रिशांत एकेडमी और दोस्तों मैं आपका मिश्रा सर लेके कर हाजिर हुआ हूँ आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत हट टॉपिक है जिसका नाम है डिफरेंट टाइप ऑफ ए इन इंडिया और दोस्तों मैं ये कवर करूँगा आपको हर एक लेवल के ए से मतलब क्या क्या लेवल होते हैं कैसे कौन सा ए होता है और उसकी क्या डेफिनेशन होती है कौन सा एटीएम टी एम कहाँ पर कितना इंपॉर्टेंट रखता है एटीएम की थोड़ी हिस्ट्री बताऊंगा साथ ही साथ आपको डेफिनेशन के साथ हर टाइप ऑफ ए भी डिस्कस करेंगे तो दोस्तों आप बने रहिए हमारे साथ हमारे इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे और अंत तक देखिए और वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर दीजिएगा चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारे इस प्यारा सा वीडियो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं आपको ये बताऊँगा कि आखिरकार ए की फुल फॉर्म क्या होती है ऑटोमेटिक टेलर मशीन जी हाँ एन ऑटोमेटिक टेलर मशीन ऑल्सो नोन एज अ ऑटोमेटिक बैंकिंग मशीन ए बी एम इज एन इलेक्ट्रॉनिक टेलीकोम्युनिकेशन डिवाइस दैट अनेबल्स द कस्टमर ऑफ अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू परफॉर्म फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस पर्टिकुलरली कार्ड विदड्रॉवल विदाउट अ नीड ऑफ ए ह्यूमन कैशियर क्लर्क और अ बैंक टेलर दोस्तों हमारे बैंक में हम बैंक में न जाएं और कैशियर के पास से लंबी लाइन न लगाएं उससे बेहतर सुविधा के लिए हमें एक बैंकिंग सेक्टर ने एक हमें एक तोहफा दिया है और एक हमें गिफ्ट दिया है ए का जिससे हम ऑटोमेटिकली कार्ड से विदड्रावल कर सकते हैं यह है एक ए टी एम की डेफिनेशन उसका फुल फॉर्म दोस्तों अब बात आती है कि टाइप ऑफ ए टी एम दे आर आर टू प्राइमरी टाइप ऑफ ए टी एम बेसिक यूनिट विच अलाउ कस्टमर टू विदड्रॉ कैश एंड रिसीव अपडेटेड अकाउंट बैलेंस द मोर कॉम्प्लेक्स मशीन एक्सेप्ट डिपॉजिट फैसेलेट लाइन ऑफ क्रेडिट पेमेंट्स एंड ट्रांसफ़र एंड एक्सिस अकाउंट इन्फॉर्मेशन तो आप देख सकते हैं कि दो अलग अलग वराइटी है एक क्या है कि केवल आप कार्ड को स्वैप कीजिए कैश निकाल लिए ए टी मशीन में जाके दूसरा क्या है कि वो आपको फैसेलेट भी करिए लाइन ऑफ क्रेडिट पेमेंट्स करना ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं और फिर तो अकाउंट की इंफॉर्मेशन दोनों टाइप ऑफ ए टी एम से मिल सकती है टू एक्सेज द एडवांस फीचर ऑफ एन कॉम्प्लेक्स यूनिट अ यूजर ऑफ एन मस्ट बी एन अकाउंट होल्डर ऑफ एट अ बैंक दैट ऑपरेट अ मशीन उस पर्टिकुलर मशीन को ऑपरेट करने वाला जो बैंक है उस बैंक में कस्टमर का अकाउंट होना चाहिए अगर ये सारी जो कॉम्प्लेक्स uh, आपकी फैसिलिटीज़ हैं वो अगर आपको लेनी है तो, तो ये दोस्तों कुछ टाइप थे मतलब इसको कहते हैं मेन डिफ्रेंस मतलब जो टाइप का होता है वो चीज़ एक्सप्लेन करना ठीक है दोस्तों ये थे डिफरेंट टाइप ऑफ ये अब मैं थोड़ा सा और डिटेल में जाता हूँ कि जो ए की डिज़ाइन होती है वो कैसे होती है ध्यान से देखिए ऑल दो द डिज़ाइन ऑफ एन ईच ए इज डिफरेंट दे ऑल कंटेन द सेम बेसिक पार्ट जैसे कि कार रीडर ये दोस्तों हर एटीएम में होता है ये क्या होता है ये देखिए दिस पार्ट रीड्स द चिप ऑन द फ्रंट ऑफ द कार्ड और द मैग्नेटिक स्ट्रिप ऑन द बैक ऑफ द कार्ड जो फ्रंट में आपको येलो कलर की चिप दिखती है वो और पीछे जो ब्लैक कलर का स्ट्रिप दिखता है वो ये दोनों मैग्नेटिक चिप होती हैं दोस्तों और इसी को रीड करती है हर ए मशीन ठीक है और जो दोस्तों की होता है की पैड इज़ यूज बाय द कस्टमर टू इनपुट इन्फॉर्मेशन ये इन जो इनपुट डिवाइस क्लिक की तरह काम करता है और ये कस्टमर ही इसको यूज़ करता है इंक्लूडिंग पर्सनल इन्फॉर्मेशन पेन द टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन रिक्वायर्ड सेविंग और करेंट और द अमाउंट ट्रांजेक्शन ये सारी चीज़ें कौन यूज़ करता है कस्टमर यूज़ करता है तो ये दो मेन चीज़ आपका देख लिया आपने कि कार्ड रीडर और की ठीक है नेक्स्ट है दोस्तों कार्ड डिस्पेंसर बिल आर डिस्पेंसड थ्रू अ स्लॉट इन द मशीन विच इज कनेक्टेड टू द सेफ एट द बॉटम ऑफ द मशीन मशीन के बॉटम से ही हमको कैश मिलता है डिस्पेंसर उसको कहते हैं जिसके द्वारा हमको कैश मिलता है ठीक है दूसरा है प्रिंटर जो आपको एक रिसिप्ट देता है देखिए इफ रिक्वायर्ड कस्टमर कंज्यूमर कैन रिक्वेस्ट रिसिप्ट दैट आर प्रिंटेड हेयर द रिसिप्ट रिकॉर्ड द टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन द अमाउंट एंड द अकाउंट बैलेंस ठीक है अब दोस्तों स्क्रीन मेन चीज तो स्क्रीन है ना स्क्रीन पर सारी चीज होती है टच स्क्रीन हो या मतलब आप बटन वाले स्क्रीन जो भी है तो ए टी एम इशूज प्रमोट दैट गाइड द कंज्यूमर थ्रू द प्रोसेस ऑफ एग्जीक्यूटिंग द ट्रांजेक्शन इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो ट्रांसमिटेड ऑन द स्क्रीन दोस्तों ये सब सारा स्क्रीन करती है ठीक है अब दोस्तों बात आती है ए टी एम फी की अब मैं यहाँ पर आपको इंडियन करेंसी के अकॉर्डिंग नहीं मैं स्टैंडर्ड करेंसी के अकॉर्डिंग बताता हूं क्योंकि ए पहले सबसे पहले यूएसए में हुआ था और ये जानकारी मैं आपको फर्दर आगे दूंगा देखिए अकाउंट होल्डर कैन यूज़ देयर बैंक ए एट नो चार्ज बट एक्सीडिंग फंड्स थ्रू अ यूनिट ओन्ड बाय अ कंपीटिंग बैक बैंक यूजअली इनक्यर अ फीस देखिए होता क्या है कि आप ए से विड्रॉ कीजिए कोई कैश आपका नहीं कटता है ना लेकिन जब एक एक्सेस लिमिट होती है उसकी जितना आप एक ए एक दिन में कुछ ही पैसे निकाल सकते हैं उससे बाद ज़्यादा निकालेंगे या महीने में दो ही तीन ट्रांजेक्शन कर सकते हैं वो बैंक टू बैंक वेरी करता है अगर उससे आप ज़्यादा करते हैं तो दोस्तों तब वो आपका एटीएम चार्जेस लेता है और दोस्तों ये देखिए फीस लिखा हुआ है कि नेटवर्क एटीएम वाज 4.55 डॉलर का वो पैसे लेता है वो आज के ईयर में ये है ठीक है दोस्तों ये था कुछ ए की बेसिक इंफॉर्मेशन अब हम स्टार्ट करने वाले हैं डिफरेंट टाइप ऑफ ए कितने टाइप के ए होते हैं और उसको एक एक करके स्टार्ट करते हैं देखिए ऑन द बेसिस ऑफ साइट अब देखिए ऑन द साइट ए अब इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों वो ऐसा ए मशीन जो बैंकिंग के प्रेमिस में ही लगा हो जैसे मान लीजिए आप पार्किंग एरिया होती है ना मतलब मान लो आप बैंक में गए स्टेट बैंक में गए देखिए स्टेट बैंक के जस्ट बाहर आप देखेंगे जो उसका एरिया होता है एक बाउंड्री लाइन होता है उसके अंदर जो ए होता है उसको कहते हैं ऑन द साइट और एक होता है ऑफ द साइट मीन्स दैट बैंक के प्रमिसेस के बाहर का एरिया ठीक है अब एक है वर्क साइट ज लोकेटेड विद इन दमिस ऑर्गेनाइजेशन इज एंड इज जनरली मेंट ओनली फॉर द इम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कई बार आपने देखा होगा कि किसी भी आप प्राइवेट सेक्टर या गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहे होते हैं तो उस टाइम उस सेक्टर मतलब उस ऑर्गेनाइजेशन का जो कैंपस होता है वहाँ पे वो एक ए टी एम लगता है जैसे आपने देखा होगा एस बी आई लगा होगा एक्सिस लगा होगा एच डी एफ सी लगा होगा तो दोस्तों वो जो ए टी एम लगा होता है वो स्पेशली होता है वहाँ के एम्प्लॉयज़ के लिए वहाँ के लेबर वर्क के लिए कि ताकि उनको कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम ना हो वो ईजिली विड्रॉ कर सकते हैं अपना काम चला सकते हैं तो ये हुआ वर्क साइट ए अब दोस्तों हम कुछ कलर बेस्ड ए देखते हैं जैसे कि वाइट लेवल ए होता है दोस्तों ये वाइट लेवल ए जो है ये ए टी एम बाय एन बी एफ सी अब देखिए एन बी एफ सी का मतलब क्या होता है एम एन बी एफ सी होता है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी अब दोस्तों ये लिटिल बिट डिफरेंट होती है बैंकिंग से बैंकिंग जो प्योर बैंक होता है उससे डिफरेंट है ठीक है तो ये इशू करता है वाइट लेवल ए टी एम को अब मैं इसको डिटेल में आगे फर्दर बताऊँगा टू इंक्रीज द फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड जोग्राफिकल रीच ऑफ द ए टी एम ये वाइट लेवल एटीएम को ये प्रोवाइड करते हैं कैश डिपॉजिट फैसिलिटी इज नॉट दे वहाँ पे कैश को हम डिपॉजिट ही कर सकते केवल विद्रॉ कर सकते हैं अब दोस्तों आपको नीचे डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज दिख रही होंगी ये ये इशू करती हैं इसको ठीक है अब देखिए दोस्तों एक होता है ब्राउन लेवल ए अब मैं इसको भी डिटेल में आगे डिस्कस करूँगा अभी आप एक जस्ट समरी लुक ले लीजिए अब ए टी एम्स आर दोज ऑटोमेटिक टेलर मशीन वेयर हार्डवेयर एंड द लीज ऑफ द ए टी एम मशीन इज ओन्ड बाय द सर्विस प्रोवाइडर बट द कैश मैनेजमेंट एंड कनेक्टिविटी टू द बैंकिंग नेटवर्क इज प्रोवाइडेड बाय द स्पॉन्सर बैंक अब देखिए इसमें क्या होता है कि सारी जो हार्डवेयर चीजेस हैं ये कंप जो स्पॉन्सर सर्विस प्रोवाइडर होते हैं वो देते हैं लेकिन जो बैंक का कैश होता है जो कनेक्टिविटी होती है वो कहते हैं जो बैंक का ए टी एम लगाते हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल जो सर्विस प्रोवाइडर होंगे वो आपको एस बी आई या पी एन बी या जितने भी बैंक हैं उनके ए टी एम को तो वो लगा देंगे लेकिन उनकी जो कनेक्टिविटी है जो पैसा का विड्रॉवल है इन सब का जो मैनेजमेंट होता है वो बैंक के ही इम्प्लॉय या बैंक के ही कुछ मेम्बर्स करते हैं ठीक है ये समझ में आ गया दोस्तों बात आती है माइक्रो एटीएम की अब देखिए माइक्रो एटीएम क्या है कार्ड स्विप मशीन है फिंगरप्रिंट स्कैनर है ये ठीक है पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल भी इसको बोलते हैं पीओएस ठीक है कैश इन रिमोट लोकेशन बोलते हैं कि अगर हमें कैश कहीं रिमोट लोकेशन में निकालना हो वहां पे एटीएम ना हो तो इसको स्वैप कीजिए और डायरेक्ट आपको कैश मिल जाएगा पोर्टेबल है आप देख सकते हैं इसलिए इसको घुमा के हम कहीं भी यूज कर सकते हैं कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट इज लेस अब देखिए आपको पूरा ए टी एम करना वो थोड़ा सा कॉस्ट क्लियर होगा उसका हार्डवेयर चार्जेस ये वो सब लेकिन ये क्या है माइक्रो ए टी एम ये बहुत ईजी है कॉस्ट इफेक्टिव है ठीक है कनेक्टिविटी थ्रू जी एस एम जी जो ग्लोबल सर्विस मशीन होती है उससे इसकी कनेक्टिविटी होती है कैन ट्रेवल फ्रॉम वेलेज टू वेलेज इसको हम ईजिली लेकर ट्रैवल भी कर सकते हैं कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि हमें बैंक ही खोलना पड़ेगा या एटीएम ही लगाना पड़ेगा तो ये एक दोस्तों माइक्रो ए का ये हेल्प होता है अब दोस्तों देखिए अलग अलग कलर के भी ए टी एम आते अभी मैंने आपको वाइट एंड ब्राउन बताया अब देखिए डिफरेंट डिफरेंट कलर के भी हैं अब मैं सारी चीज़ों को फर्दर आगे डिस्कस करूँगा लेकिन अभी आप एक समरी लुक ले लीजिए देखिए ग्रीन लेवल एटीएम हुआ फिर ऑरेंज लेवल ए हुआ येलो लेवल ए हुआ पिंक लेवल ए हुआ मोबाइल ए आपने देखा अभी और कैश डिपेंस डिस्पेंसर भी देखा अब देखिए ग्रीन लेवल क्या है ए टी एम प्रोवाइडेड फॉर एग्रीकल्चर ट्रांजेक्शन अब दोस्तों यहाँ से आपको इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिल रही है जो कि बैंकिंग सेक्टर के लिए जो एग्जामिनेशन होता है आपका ठीक है वहाँ आर बी आई के लिए या एस बी आई के जो मेन एग्जामिनेशन होंगे वहाँ के लिए आपको इसको ये बेनिफिशियल होगा देखिए ग्रीन मतलब हरा तो हरा किससे लोकेट होता है एग्रीकल्चर से ठीक है ऑरेंज क्या है दोस्तों शेयर ट्रांजेक्शन के लिए है शेयर मार्केट के लिए येल्लो किस लिए होता है दोस्तों ई कॉमर्स के लिए आप देख रहे होंगे ना कॉमर्शियल व्हीकल्स जो येल्लो कलर की शो करती हैं तो दोस्तों तो येल्लो कलर किस लिए हो गया ई कॉमर्स के लिए पिंक कलर किस लिए हो गया दोस्तों वुमेन अब जानते हैं पिंक रिलेटेड फॉर लेडीज होता है तो पिंक किस लिए हो गया दोस्तों ये वुमेन बैंकिंग के लिए हो गया ठीक है अब दोस्तों आ गया है मोबाइल बैंकिंग अब मोबाइल बैंकिंग क्या है फ्रेंड्स देखिए रेफर टू एन एटीएम दैट मूव्स इन अ वेरियस एरियाज ऑफ द कस्टमर फ्यू प्राइवेट बैंक हैव इंट्रोड्यूस ए ऑन व्हील्स ठीक है मतलब वो मतलब आपके जो फोर व्हीलर्स होते हैं उसमें लेके वो ए को मशीन लेके घूमते हैं जहाँ पर सर्विस बहुत कम है ठीक है अब दोस्तों बात होगी कैश डिस्पेंसर अलाउ ओनली कैश विदड्रॉवल बैलेंस इंक्वायरी एंड मिनी स्टेटमेंट रिक्वेस्ट कैश डिस्पेंसर सी डीज को बोलते हैं अब दोस्तों मैं आपको अब डिटेल में बताने जा रहा हूँ एक एक चीज आखिरकार व्हाइट लेबल और पिंक ब्राउन ये सब क्या है ध्यान से देखिए देखिए व्हाइट लेबल एटीएम क्या है कि व्हेन ए आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय नॉन बैंकिंग एंटिटीज जैसे मैंने आपको बताया था ना एन वो उनको ऑपरेट और ओन्ड वो करते हैं बट दे आर नॉट डूइंग आउटसोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम अ पर्टिकुलर बैंक अब वो पर्टिकुलर बैंक से कोई आउटसोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं रखते ठीक है अब ब्राउन क्या हो गया वेन अ बैंक आउटसोर्स द ए टी एम ऑपरेशन टू द थर्ड पार्टी अब वो आउटसोर्स कर रहे हैं तो वो ब्राउन हो गया अब दोस्तों इसीलिए ग्रीन हो गया अभी आपको मैंने बताया था ना कि जो ग्रीन लेवल ए टी एम्स होते हैं वो होते हैं फॉर एग्रीकल्चर ट्रांजेक्शन्स के लिए ठीक है और जो ऑरेंज लेवल ए होते हैं वो होते हैं दोस्तों शेयर मार्केट के लिए है ना अगर हम शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं विड्रॉ करते हैं जो भी है तो उसके लिए जो ए यूज़ करते हैं वहाँ के लिए वो दोस्तों होते हैं ऑरेंज लेवल ए अब दोस्तों बात आती है येल्लो लेवल ए की येल्लो लेवल ए क्या होते हैं दे आर सेट फॉर द ई कॉमर्स ठीक है e जो हम ई e कॉमर्स में जितने भी ट्रांजेक्शन करते हैं मतलब हम परचेजिंग करते हैं सेलिंग करते हैं एडवर्टीजमेंट करते हैं जो भी हम ई e कॉमर्स वेबसाइट पर फ्रीलांसिंग करें कुछ भी करते हैं तो वहाँ के लिए येल्लो होता है अब दोस्तों एग्जामिनेशन में आपको कन्फ्यूज़ करने के लिए किसी दूसरे की डेफिनेशन आपको दूसरे कलर में देंगे दैट येलो ऑरेंज ग्रीन रेड अरे सॉरी पिंक और आपका दोस्तों ब्राउन और वाइट ये ऐसे हैं अभी आपके पिंक भी आएगा दोस्तों ऐसे कुछ खतरनाक खतरनाक से कलर हैं ज़्यादा कुछ नहीं है आपको जस्ट एक दो तीन बार रिवीजन करना है इसी वीडियो को दो तीन बार देखना है तो आपको आपको आराम से सारे लर्न हो जाएंगे अब दोस्तों बात आती है पिंक लेबल ए की सच ए आर मॉनिटर्ड बाय गार्ड अब देखिए ध्यान से देखिए पिंक मीन डेट वुमेन और वुमेन के लिए हमेशा आप जानते हैं सरकार भी और आम नागरिक भी एक सिक्योरिटी के पर्पज से रखता है कुछ ना कुछ लोगों को ठीक है तो अब देखिए सच ए टी एम्स आर मोनिटर्ड बाय गार्ड हु इंश्योर दैट ओनली वुमेन एक्सेस दिस ए टी एम अब जहां पिंक ए टी एम लगा होगा पिंक लेबल ए टी एम होगा तो वहां पर वुमेन ही एंट्री करेंगे और उनके लिए तो फिर सिक्योरिटी गार्ड की भी जरूरत है है ना द सोल सोलर्पज ऑफ सच ए टी एम इज टू मी टी गेट द प्रॉब्लम ऑफ वुमेन स्टैंडिंग इन द लॉन्ग क्यू ऑफ ऑर ए टी एम लंबी मतलब लंबे लाइन में सुविधा के लिए यह पिंक लेवल एटीएम को लगाया गया है ठीक है आप बताती है दोस्तों बायोमेट्रिक एटीएम अब यह दोस्तों नया है यह थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि देखिए द एटीएम विच यूजेज सिक्योरिटी फीचर्स लाइक फिंगरप्रिंट स्कैनर एंड आई स्कैनर फॉर अ कस्टमर टू एक्सेस द बैंक डिटेल अब देखिए ये थोड़ा सा नया है थोड़ा यूनिक है अभी ये मार्केट में भी नहीं आया है उतना पॉपुलर नहीं हुआ है लेकिन हमको एग्जामिनेशन पॉइंट पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीज़ें डिटेल में समझनी पड़ती है और जाननी पड़ती है अब दोस्तों ये क्या है कि एक ऐसा ए टी एम है जिसमें कि आपका कार्ड तो यूज़ होगा ही होगा लेकिन साथ ही साथ आपको फिंगर प्रिंट भी स्कैन करना होगा और साथ ही साथ आई भी स्कैन करना होगा तो ये दो चीज अगर आप स्कैन करते हैं तो ही आपको आगे फरद ए टी को एक्सेस करने की परमिशन ग्रांट होती है तो यहां तक आपने देखा कि कितना डेवलपमेंट हो गया है हमारा साइंस और कितना कैसे कैसे डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे हमने देखा है तो दोस्तों यहाँ पे मुझे दीजिए इजाज़त और मैं आपको करता हूँ धन्यवाद कि आप मेरे साथ बने रहें और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ दोस्तों एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और जितने भी आपके यार दोस्त हैं सबको ये एक वीडियो का लिंक शेयर कर दिए ताकि उनको भी पता चले कि कितने टाइप ऑफ ए होते हैं और ये एक जनरल नॉलेज के तौर पर भी आपके पास हमेशा लिए स्ट्रॉन्ग रहेगा ठीक है दोस्तों टिक टिक बाय बाय